दोस्तों अगर आप भी OBS स्टूडियो का इस्तेमाल करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर VLC मीडिया प्लेयर को इस्तेमाल कर सकते हो और मस्त मस्त म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और OBS स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। यह है OBS 30.1.2 OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे OBS में सोर्सेज में जाओगे, प्लस के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सोर्सेज में आपको VLC मीडिया प्लेयर का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे PC पर अभी VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने PC पर VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना होगा। VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर आपको सर्च करना है VLC मीडिया प्लेयर। यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। VLC मीडिया प्लेयर पूरी तरह से फ्री है। यहाँ पर डाउनलोड VLC का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सी विंडो आपकी है। तो मेरी विंडोज है 64-bit, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर एक VLC मीडिया प्लेयर की EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं VLC 3.0.20 विंडो 64 EXE फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोल्डर वाला जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी VLC मीडिया प्लेयर की EXE फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इस पर आपको डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करेंगे, प्लीज सिलेक्ट अ लैंग्वेज, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब VLC मीडिया प्लेयर हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा चल रहा है, कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। VLC मीडिया प्लेयर हमारे PC पर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देना है। आपको अपना OBS स्टूडियो दोबारा से ओपन करना है। अब यहाँ पर सोर्सेज में जाना है और प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर का ऑप्शन भी दिखाई देने लगेगा। नीचे की साइड आप आओगे, आप देख रहे हैं VLC वीडियो सोर्स आपका यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी इसका नाम देना चाहो नाम दे सकते हो, मैं इसको VLC वीडियो सोर्स ही रहने देता हूँ। और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो प्लेलिस्ट आपको ऐड करनी है, वो आप प्लेलिस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ऐड फाइल्स पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आपको कोई भी ऑडियो म्यूजिक वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप प्ले करना चाहते हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, ये म्यूजिक की फाइल्स हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो ये हमारी सारे जो सॉन्ग्स थे, MP3 फाइल्स थी, ऑडियो फाइल थी, वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आप यहाँ पर इन्हें ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लूप प्लेलिस्ट, यानी जो हमारे म्यूजिक है ये हमारा लूप में चलता रहेगा, यानी एक के बाद एक अपने आप लूप में चलेगा। उसके बाद यहाँ पर शफल प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप शफल वाला भी टिक कर दोगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी कहीं से भी म्यूजिक प्ले हो जाएगा। मान लो जैसे ये वाला अभी हमारा चल रहा है तो अपने आप ये शफल होके इनमें से कोई भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके चलने लगेगा। और अगर आप इसे टिक नहीं करोगे तो आपका सीक्वेंस में चलता रहेगा। अब ये जो सीक्वेंस है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि पहले ये वाला हमारा प्ले हो उसके बाद ये वाला हो, तो यहाँ से आप इन्हें सेट कर सकते हो। ये आ रहा है नेटवर्क कैचिंग 400 मिलीसेकंड, ऑडियो ट्रैक 1 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप ऑडियो ट्रैक वगैरह जो भी आपको सिलेक्ट करनी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सबटाइटल इनेबल्ड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप सबटाइटल इसमें ऐड कर रखे हैं आपने तो सबटाइटल भी आप प्ले कर सकते हो। सबटाइटल ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आपका VLC मीडिया प्लेयर अब यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो VLC वीडियो सोर्स, यहाँ पर जो VLC वीडियो सोर्स था उसका ऑडियो हमारा यहाँ पर आ रहा है, यानी जो इसका ऑडियो है वो यहाँ पर प्ले हो रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग आपको यहाँ से अगर प्ले करना है तो इसे आप नेक्स्ट पर कर दोगे तो अगला सॉन्ग आपका प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो के अंदर VLC मीडिया प्लेयर को ऐड करके म्यूजिक प्ले कर सकते हो। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।